लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने पूरी जान लगाकर जनसंपर्क किया। सातवें चरण और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन था। इस दिन पंजाब में राहुल गांधी ने और हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एकत्र होकर इंडिया ब्लॉक बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को लेकर कई सारे जनसंपर्क भी किए। अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और AICC महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही 100 से अधिक जनसंपर्क किए। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि खड़गे ने 100 से अधिक रैलियां, 20 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 70 से अधिक इंटरव्यू किए। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने 107 रैलियां, रोड शो, संवाद और प्रमुख अभियान किए हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो के जरिए जोरदार चुनाव प्रचार किया। मैराथन चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने 100 से अधिक मीडिया बाइट, एक टीवी इंटरव्यू और 5 प्रिंट इंटरव्यू भी दिए। बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, प्रियंका गांधी रायबरेली में रही। साथ ही अमेठी में करीब 2 सप्ताह तक पार्टी के अभियान की अगुवाई की। वहीं कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा को अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा था। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने बताया कि प्रियंका गांधी ने अपने तूफानी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस पर भाजपा नेताओं के हमले का भी जवाब दिया। उन्होंने 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में हजारों कार्यकर्ताओं के 2 सम्मेलनों को भी संबोधित किया। यही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ कुछ जनसभाओं को भी संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बता दें बृहस्पतिवार को राहुल गांधी ने सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोड शो किया। बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है। मतगणना के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस का चुनाव अभियान कितना सफल रहा है।